हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको एगलेस मफिन बनाना सिखाऊंगी विद कर्ड। मैदा 1 कप, 1 चम्मच ऑयल, 1 कप शुगर, 1 चम्मच सूजी, 1 कप दही, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 स्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले एक बाउल में हम दही लेंगे। दही को बीटर की सहायता से बीट करेंगे। धीरे धीरे बीट करना है, इसकी स्पीड को स्लो ही रखना है। इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे, पीसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, और उसको धीरे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करना है और फिर बीटर की सहायता से स्लो स्पीड में इसको धीरे धीरे बीट करना है ताकि शुगर दही में ठीक ढंग से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें ऑयल डालना है। 1 चम्मच ऑयल डाल के धीरे धीरे बीट की सहायता से फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको बीट करेंगे ताकि जो ऑयल है मिक्सचर में ठीक ढंग से मिक्स हो जाए। धीरे धीरे बीट करना है। एक बाउल में 1 चम्मच कॉफ़ी लेंगे और हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे 2 चम्मच, और उसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 1 कप मैदा डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे धीरे धीरे। जब मैदा इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद हम बीटर की सहायता से उसको बीट करेंगे। बीटर को धीरे धीरे ही रखना है, स्लो स्पीड रखनी है उसकी, फास्ट नहीं करना। ओके, ये देखो मिक्सचर पूरा मिक्स हो चुका है। इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, स्पीड को स्लो ही रखना है। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर अच्छी कंपनी का डार्क वाला लेना है और उसे स्पून की सहायता से धीरे धीरे बीट करना है। कट एंड फोल्ड मेथड से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच सूजी डालनी है, बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा 1/2, स्पून और जो कॉफ़ी हमने मिक्स करके रखी थी वो इसमें डालनी है।
फिर सारे मिक्सचर को धीरे धीरे स्पून की सहायता से, कट एंड फोल्ड मेथड की सहायता से हमें इसको मिक्स कर लेना है। एक चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अब फिर एक बार फिर हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अब बीटर की सहायता से धीरे धीरे सारे मिक्सचर को दोबारा से बीट किया जाएगा ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई लम्स इसमें ना रहें। धीरे धीरे बीट करना है, बीटर को स्लो ही रखना है। अगर हमारे पास बीटर ना हो तो हम मार्केट में एक हैंड का भी आता है तो उससे भी हम इसको धीरे धीरे बीट कर सकते हैं। लास्ट में स्पून की सहायता से इसे एक बार दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्सचर को चेक करेंगे। अगर ज़्यादा पतला लग रहा है तो हम इसमें एक चम्मच सूजी ऐड कर देंगे ताकि उससे जो पतला है मिक्सचर वो थोड़ा थिक हो जाए। अब हमने एक चम्मच इसमें सूजी और डाल दी है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे सारे मिक्सचर को। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, ना इससे पतला होना चाहिए ना इससे गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है मफिन्स के लिए। अब हम मोल्ड्स जो होते हैं मार्केट में तरह तरह के होते हैं, जैसे ये सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, इनको हम हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। ये एल्यूमिनियम का मोल्ड है और भी तरह तरह के मोल्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, हम ले सकते हैं, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर देखो जितना डाल रहे हैं उतना ही डालना है, इसको पूरा ऊपर तक नहीं भरना। अगर हम ऊपर तक भरेंगे तो जब केक बेक होगा तो ये बाहर निकल जाएगा और हमारे मफिन्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए जो बैटर तैयार हुआ है वो पूरा नहीं भरना, थोड़ा स्पेस रखना है ताकि उसको फूलने के लिए स्पेस चाहिए। सारे मोल्ड्स में हम मिक्सचर डाल देंगे। सारा फिल कर लेंगे हम इसको। माइक्रोवेव को पहले प्रीहीट करेंगे हम। जब प्रीहीट हो जाए उसके बाद हम कन्वेंशन पर लगाएंगे 15 मिनट के लिए मफिन्स को। ये देखिए हमारे मफिन्स 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बहुत ही परफेक्ट बने हैं। ये स्टार शेप का देखो कितना अच्छा है। इसे गरम गरम मोल्ड में से नहीं निकालना है, जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इसको घर पे बनाना और मुझे बताना और मेरे चैनल को लाइक करना प्लीज़।
कमेंट्स करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।